राधे दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा, आराधना और व्रत किया जाता है। इस महीने का आखिरी दिन जो है दोस्तों, पूर्णिमा का दिन होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो है दोस्तों, 19 नवंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा को जो है दोस्तों, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी खुशी में देवताओं ने दीवी प्रज्वलित करके खुशियाँ मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज का दिन जो है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सभी देवी देवता जो हैं गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आपको भी जो है आज के दिन गंगा नदी का स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी के जो स्नान पर नहीं जा सकते हैं, तो नज़दीक तालाब, सरोवर, कुंड जो भी हैं पवित्र, वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों, आप अपने घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा नदी का स्नान जो है प्राप्त होता है और नज़दीक तालाब, सरोवर या कोई भी कुंड है वहाँ पर जो है दोस्तों, एक देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। आप अपने घर के ईशान कोण पे या फिर जहाँ पर आपका पानी रखने का स्थान हो, वहाँ पर भी एक देसी घी का दीपक आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, बताया जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है, माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करती है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम जरूर करें कि आप आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन जरूर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। विशेष उपायों में से सबसे पहला उपाय है कि दोस्तों, चावल यानी अक्षत। आपने देखा होगा, हर छोटी या बड़ी पूजा हो, हर पूजा में जो है चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही अगर आप पूर्णिमा के दिन चावल से जुड़े हुए ये उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको ये चावल जो है मालामाल बना देगा। दोस्तों, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे रखने की या फिर पैसा कमाने की चाहत ना हो। आज के युग में धन की सबसे बड़ा धर्म बन गया है। इसे पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कई बार अनेक प्रयासों करने के बावजूद भी धन जो है नहीं मिल पाता है, या फिर आता हुआ धन भी रुक जाता है, आय के स्रोत तो बंद हो जाता है, या फिर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसी कई धन संबंधित तो समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको आज के दिन जो है जरूर कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको चावल का जो उपाय बताने जा रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है कि देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसमें चावल यानी अक्षत का एक मुख्य स्थान होता है। अक्षत का अर्थ होता है जो कहीं से भी टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर, कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चावल जरूर चढ़ाया जाता है। इनका बिना कोई भी पूजा संपूर्ण भी नहीं होती है। ज्योतिष में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए अक्षत यानी चावल के कुछ ऐसे विशेष चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आज के दिन कर लिया तो दोस्तों, धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो उपाय यह है कि दोस्तों, आप पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, उठते ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें, फिर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़े से चावल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। फिर दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं, यानी आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु जी की आपके सामने मूर्ति या तस्वीर उसे ही होनी चाहिए, वहाँ पर आपको आसन लगाकर बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के आगे एक देसी घी का दीपक और एक सुगंधित धूपबत्ती आप आज के दिन जरूर लगाएं। अब चावलों के 21 दाने ले लीजिए, यानी चावल यानी अक्षत जो पूरे टू जो है समूचे होने चाहिए। अक्षत चावल कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे चावल आपको साथ में होने चाहिए। अब चावलों को दोस्तों, एक कटोरी में डालकर उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर उसे पीला कर लें। अब यह पीला रखने के बाद आप एक काम कीजिए कि जब वो पीला हो जाए चावल, तो एक लाल रंग का कपड़ा लें और लाल रंग के रेशमी कपड़े में वह चावल बांधकर एक पोटली बना दीजिए। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के आगे रखकर माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी जी को आज के दिन चावल से बनी खीर बनाकर उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री और केसर डालकर माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाएं। अब माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रिये नमः, ओम श्रीम श्रिये नमः, इस मंत्र का जाप करें।
मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो आपको परेशानी चल रही है या फिर जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वह सारी परेशानी जो आपको बोल देनी है और फिर उस पोटली को ले जाकर दोस्तों आप अपने घर की धन रखने यानी तिजोरी पर जो है वो पोटली रख दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके धन से जुड़ी हर परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करने से जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी जो आप दोस्तों तरक्की करेंगे। साथ ही आप आज के दिन एक जरूर काम करें कि धन प्राप्ति के लिए आप सुबह जल्दी उठकर एक बूटी चावल किसी तालाब या सरोवर में बहा दीजिए। ये उपाय आपको पूर्णिमा के सुबह के समय करने चाहिए। उसी तालाब या सरोवर में चावल बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको चमत्कार धन की भी प्राप्ति होने लगेगी। और दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर लगातार किसी काम में जो है समस्याएं चल रही हैं, तो आपको कुछ दिनों तक या फिर दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है मीठे चावल बनाकर गाय को खिला दीजिए। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी से जुड़ी और हर तरह की परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से यानी कि दोस्तों आप जिस काम में जो है सफलता, आपके घर में धन की कमी है, आप खूब मेहनत करते हो फिर भी जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप एक काम जरूर कीजिए कि आप पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाएं। अब 1 सवा किलो चावल बाजार या जो करियाने की दुकान होती है पंसारी की दुकान से आपको 1 सवा किलो चावल अपने घर पर ले आने हैं। अब चावल लेने के बाद नज़दीक शिव मंदिर जो है, जहाँ पर शिव मंदिर है वहाँ पर जो आपको चले जाना है। अब दोस्तों शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठकर एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब ऐसा करने के बाद जो 1 सवा किलो चावल अपने साथ लेकर गए थे उनमें से एक मुट्ठी लेकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जी हाँ दोस्तों, उन चावलों से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और बाकी बचे चावल आप ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन की जाए तो दोस्तों धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। और दोस्तों अगला उपाय है कि आज के दिन अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। जिस पे कुमकुम रौली का तिलक लगाने के बाद आप जो है दोस्तों अपने माथे पर चावल का भी तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होती रहती है। और दोस्तों अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो कई बार ऐसी समस्याओं के पितृ दोष के कारण होती हैं, तो ऐसे में आप चावल की खीर बनाए उसे रोटी के साथ अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन कौवे को खिला दीजिए। पितरों को खीर बहुत ही पसंद होती है। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अटके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यश सम्मान में वृद्धि होगी और जीवन में जो भी अस्थिरता है वह दोस्तों हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान में ले लें और फिर वही चावल जो आप दोस्तों आज के दिन कन्याओं को दान में दे दें या फिर उन्हीं चावलों की खीर बनाकर आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। और दोस्तों आज अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को चावल का दान आज के दिन जरूर करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो